एवरीवन दिस इज आज हम बात करने वाले हैं ए टैक्स की ये एक इंडिजीनियस हाउसर है जो कि इंडिपेंडेंस डे में जब 21 तोपों की सलामी दी जाती है वहाँ इसको यूज़ किया गया तो ए टैक्स के बारे में ये जो गन आर्टिलरी है तोप है इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे और जो भी इसका एनालिसिस है वो करेंगे बाकी आपकी कोई भी क्वेरी हो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पर बिकॉज आई फील टूगेदर वी कैन मेक ह्यूज डिफरेंस मेरे बारे में आप यहाँ पे जान सकते हैं कि मैं इन्वायरमेंट एनिकोलॉजी आपको पढ़ाने वाली हूँ साइंस एंड टेक भी हम प्लान करेंगे बाकी करंट अफेयर्स तो पाथ फाइंडर पर आपके चल रहे हैं पाँच साल का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है और आप मुझे अन अकेडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं आप पे उनके प्लाट एन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर यहाँ पे और टेलीग्राम चैनल पर कनेक्ट कर सकते हैं डिस्कशन हम इसकी शुरू करते हैं देखिए कोई भी चीज़ जो हमारे देश में खुद बनती है उसको हम बोलते हैं इंडीजीनियस यानी सिंपल टर्म्स में बोले देसी कि हमारे अपने देश में बनी है हमने किसी बाहर वाले देश से उसको नहीं खरीदा है ओके okay, तो पहली बार ये एक इंडिजीनियसली डेवलप डेवलप की गई है ये हाउथसर गन एक गन जो कि जिसका नाम है ए टी ए जी या इसको आप ए टैग भी कह सकते हैं ए भी कहा जाता है अब इसको यूज किया गया इंडिपेंडेंस डे पे जो अभी फिफ्टीन अगस्त को लाल किले पे इसको जो ट्वेंटी वन गन सेल्यूट दिया जाता है जिसको हम हिंदी में इक्कीस तोपों की सलामी कहते हैं उसमें इसको यूज़ किया गया पहली बार आज से पहले इक्कीस तोपों की सलामी के लिए जब भी कुछ यूज़ होता था तो हमने वो बाहर से ही इम्पोर्ट किया होता था कोई भी गन या आर्टिलरी जो होती थी उसको हम बाहर से इम्पोर्ट करते थे पहली बार खुद की बना के की है और इसको किसने बनाया है डी ने देखिए जिसको मैं सर्कल कर रही हूँ ये आपकी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो प्रलम्स में आ सकती है तो उसको डेवलप किया है डी ने और इसका पूरा नाम ए का

खरीदी है ब्रिटिश ओरिजिन है उसका लेकिन इस बार 25 फाइव पाउंडर्स के साथ ए टैग्स को यूज किया गया तो यहाँ पे जो हमारा एक स्कीम ये प्रोग्राम चलता है आत्मनिर्भर भारत तो उसके तहत आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है तो ए टैग्स का नाम उसका फुल फॉर्म आपको आना चाहिए किसने इसको डेवलप किया है ये आपको मालूम होना चाहिए तो देखिए डिफरेंट मीडिया ने भी इसको बहुत अच्छे से विद वीडियो कवर किया अब ये जो ट्रेडिशन है किस तोपों की सलामी जो दी जाती है ये ट्रेडिशन कब से चलता आ रहा है देखिए अभी इंडिपेंडेंस डे में क्या होता है आपका नेशनल एंथम बजता है उसके बाद मिलिट्री बैंड रहता है जब आपका झंडा लहराया जाता है रेड फोर्ट पे प्रधानमंत्री के द्वारा उसके बाद ये 21 तोपों की सलामी जो है वो दी जाती है एक सेरिमोनियल तरीका है एक ट्रेडिशन है जो आर्टिलरी रेजिमेंट है आर्मी की वो इसको चलाती है अब ये जो ट्रेडिशन है गन सेल्यूट्स का ये बेसिकली कहाँ से आया है वेस्टर्न कंट्रीज से आया है वेस्टर्न नेवीज़ जो थी जो जो नेवीज़ आपकी जिनके पास गन्स रहती थी पोर्ट्स पे या कोई शिप आ रही है उसमें गन्स हैं तो वहाँ पे इस तरह से गन की सलामी दी जाती थी ये बताने के लिए कि हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है वी आर फ्रेंडली विद ईच अदर और उसके बाद ये ट्रेडिशन वहाँ से कैरी फॉरवर्ड हुआ जब भी कोई हायर ऑफिशियल आता है तो ये जो सलामी है वो दी जाती है कोई राजा महाराजा आते हैं रॉयल्स आते हैं मिलिट्री कमांडर्स आते हैं या स्टेट्स के हेड्स आते हैं तो ये देखिए उनको ऑनर किया जाता है अब ये ट्रेडिशन जो है हमने ऑब्वियसली ब्रिटिशल ब्रिटिश रूलर्स जो हैं उनसे इनहेरिट किया है वहाँ से ये चलता आया है और डिपेंड करता है कि इसका कितना रैंक है उस हिसाब से उतनी ज्यादा सलामी यहाँ पे उतने ज़्यादा आर्टिलरी उसमें या गन्स इन्वॉल्व रहती हैं गन सिस्टम इन्वॉल्व रहते हैं उस हिसाब से सलामी जो है वो दी जाती है इंडिपेंडेंस डे रिपब्लिक डे सब पे इस तरह का आर्टिलरी गन सेल्यूट जो है ये तोपों की सलामी जो है वो दी जाती है अब ओवर द ईयर्स क्या है जो 21 गन सेल्यूट यानी 21 तोपों की जो सलामी है ये दी जाती थी लेकिन इतने सालों से ये सलामी जैसे मैंने आपको बताया ट्वेंटी फाइव पाउंडर ये भी एक गन सिस्टम है उसके थ्रू दी जाती थी और पहली बार हम अपना इंडिजीनस यूज़ कर रहे हैं इस बार हमने ए टैक्स को इंक्लूड किया ये जो ए टैक्स है ना अगर आपने देखा होगा दो हज़ार बीस में भी बहुत न्यूज़ में रहा था क्योंकि कोई भी गन सिस्टम जब आता है उसके बनता है तो उसके बाद उसके ट्रायल्स होते हैं देखा जाता है कि ये ठीक है या नहीं है लेकिन एक बार ट्रायल में ये फेल भी हो गया था और तब इस तरह के बहुत आर्टिकल्स आ रहे थे कि हम ए टैक्स बना तो रहे हैं क्या ये काम करेगा फेल हो जाएगा जो इतना पैसा रिसर्च में हम लगा रहे हैं ये फेल हो जाएगा हमको फिर भी बाहर से गन सिस्टम्स पे डिपेंड करना पड़ेगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ फाइनली ये आज तैयार है लेकिन अभी भी इसका थोड़ा फाइनल राउंड जो है इंस्पेक्शन अभी बाकी है उसके बाद ही मिलिट्री इसके ऑर्डर देगी वैसे भी इंडिया बहुत कोशिश कर रहा है डिफेंस में हम अपनी चीज़ों पर निर्भर करें अभी एक दो साल पहले ही वन लिस्ट बारगो अगर आप देखेंगे उन्होंने किया था लिस्ट निकाली थी कि 101 आइटम्स जो हैं डिफेंस की इस तरह की हम बाहर से नहीं खरीदेंगे सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू अब ए टैक्स जो है ये आप देख सकते हैं एक कैलिबर गन है 155 फिफ्टी फाइव एम इंटू फिफ्टी टू की ये एक गन है जो कि डी ने डेवलप की है डी एक हमारी पुणे बेस्ड फैसिलिटी है और डी की भी एक पुणे बेस्ड फैसिलिटीज़ है डी जो है इसके अलग अलग फैसिलिटीज़ हैं जो इसकी पुणे बेस्ड फैसिलिटी है आर्मा रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट जिसका शॉर्ट में आप ए आर बोलते हैं नोडल एजेंसी उन्होंने इसको बनाया है तो आप देख सकते हैं इस तरह से इसकी पिक्चर्स और उटसर जो है ये एक अम्ब्रेला टर्म है जो भी आपकी लॉन्ग रेंज आर्टिलरी गन्स रहती है ना जो तोपे रहती हैं जिनकी लॉन्ग रेंज होती है उनको हम हाउटसर कहते हैं अब इसके फायरिंग सेशंस जो हैं ये एक बहुत ही क्रूशियल स्टेप है ऑब्वियसली इंडिया के लिए अब इसकी खासियत देखिए इसका सिग्निफिकेंस ही हमने दैनिक भास्कर से लिया है ये एक एडवांस गन सिस्टम है 48 किलोमीटर इसकी रेंज है कितने डिग्रीज में इसको यूज़ कर सकते हैं माइनस थर्टी डिग्री से 75 डिग्री के तापमान तक इसको यूज़ किया जा सकता है हर मिनट पांच गोले दागने की इसकी क्षमता है रात में ये डायरेक्ट फायर कर सकती है और इनफैक्ट जैसे पहले होता था ना मैनुअली हम बहुत ज़्यादा ऑपरेट करते थे गोला भरा जाएगा डाला जाएगा फिर उसको फायर किया जाएगा अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रिक सिस्टम भी दिया गया है इसको और ज़्यादा इसकी क्षमता जो है इम्प्रूव करने के लिए तो इस तरह से इसको डेवलप किया गया

मॉडल लेबोरट्री है इसके बाद डीआरडीओ की कुछ और फैसिलिटीज भी हैं जिन्होंने इसको बनाने में कंट्रीब्यूट किया उनके नाम आप देख सकते हैं आईआरडीई दिस इज इंस्ट्रूमेंट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टैब्लिशमेंट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टैब्लिशमेंट वी प्रूफ एंड एक्सपेरिमेंटल स्टैब्लिशमेंट पी सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स ये यार है देन योर डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन लेबॉरटरी सबके नाम आप याद रख सकते हैं जो जो इसमें इन्वॉल्व थे और जैसे मैंने आपको बताया टू से इसको बनाना शुरू किया सो यू कैन सी कि रिसर्च में कितना टाइम लगता है एकदम परफेक्ट बनाने में सो दिस इज इट और अब देखो सेप्टेम्बर अगस्त सेप्टेम्बर में क्या हुआ था 2017 में जैसे मैंने बोला इसका एक टेस्ट फेल हो गया था तो उसके बाद ऐसा बोला जा रहा था कि ये काम करेगी या नहीं करेगी मैंने कहा इसका फाइनल इंस्पेक्शन बाकी है तो करेंटली वो इवेलुएशन चल रहा है और वो इवेल्यूशन ए टी का कौन कर रहा है डायरेक्टरेट जनरल क्वालिटी एश्योरेंस डी जी क्यू ए फाइनल स्टेज यहाँ से अप्रूव होगा उसके बाद ही आपको स्टोर में आर्मी स्टोर में उनको मिलेगी अब ए टैक्स के फीचर्स जानिए अब देखिए ये थोड़ा टेक्निकल है ओके कि किस तरह से गन्स काम करती हैं जैसे इसमें एक बैरल होगा बैरल होगी नली जहाँ से गोला जाता है ब्रीच मैकेनिज्म हो गया कि एक बार आप फायर करेंगे जब एक गोला जाएगा उसके बाद वो घूम के ख़ुद को लॉक कर लेगा तो दिस इज़ द ब्रीच मैकेनिज्म मजल उसका जो मूव हो गया फाइनली तो इस तरह से इसके काफ़ी सारे फीचर्स हैं जैसे मैंने बोला इलेक्ट्रिक ड्राइव भी है मैनुअल की जगह इस बार इलेक्ट्रिक ड्राइव यहाँ पर दिया हुआ है ताकि रिलायबल ऑपरेशन रह सके और लॉन्गर पीरियड में ये लॉन्ग रेंज भी रह सके और अच्छे से ऑपरेट हो सके So these are the things. कोई भी आप तोप लाते हैं इस तरह की आर्टलरी मीन्स तोप तो आप देखते हैं कि उसकी मोबिलिटी अच्छी हो अच्छे से चल पाए दूसरा आप देखते हैं लाइट वेट भी हो ताकि हम उसको अच्छी जगह डिप्लॉय कर सकें पहाड़ों पे भी भेजना है दूर दराज एरियाज़ में भी भेजना है तो उसको जा सकें तो एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम भी हो ऑटोमेटिक कमांड हो ऐसा नहीं है कि चौबीस घंटे हम उसको अगर कहीं हमें वॉर हो जाती है हमको मैनुअली ऑपरेट करना पड़े तो हम ऑटोमेटिक कमांड भी देखते हैं कि उस तरह का उसका कंट्रोल सिस्टम हो और नाइट में भी उसको यूज़ कर सकें डायरेक्ट फायर मोड उसका रहे तो ये सब यहां पे देखा गया है कि इसमें आ, ये सब फैसिलिटीज़ जो दी गई हैं अब सितंबर में 2017 में इसका टेस्ट जो पोखरण में किया गया मैक्सिमम रेंज इसकी 38.5 रही और 48 किलोमीटर रही और एटलीस्ट 20 परसेंट मोर देन रेंज इज अचीव बाई एनी कंटेम्प्रेरी गन सिस्टम आज तक तो कोई भी गन सिस्टम जो भी हैं कंटेम्प्रेरी इसके एज के उनसे ट्वेंटी ज़्यादा ये रेंज कवर कर रही है तो इस तरह के ट्रायल्स जो हैं वो चल रहे हैं देखिए स्पेशलाइज गन सिस्टम में क्या है कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन कंप्यूटर्स इंटेलिजेंस ये सब चीज़ें देखी जाती हैं अब फ्यूचर रोल डेफिनेटली ये हमारे डिफेंस को आर्मी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगी तो यही चीज हम वेट कर रहे हैं कि बाकी जो हमारी ओल्ड गन्स हैं उसको हम नए सिस्टम से मॉडर्न सिस्टम से रिप्लेस कर सकें राइट right? तो इसी तरह एक धनुष भी है उसका भी ट्रायल जो है वो चल रहे हैं तो आत्मनिर्भर भारत के अंदर ये सब हो रहा है आई होप दिस इज क्लियर टू यू ये जो पीडीएफ है इसका आपको मेरे टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा दिस इज द आर कोड एंड दिस इज अ टेलीग्राम चैनल ब्रॉने दिस इज अंडर स्कोर यूपीएससी आप कनेक्ट कर सकते हैं अब देखिए अगर आप यू की तैयारी कर रहे हैं तो इट्स ऑलवेज़ गुड कि आप एक ही बार बेस्ट टीचर्स से पढ़ना शुरू करें कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कभी एक जगह से पढ़ते हैं दूसरी जगह से पढ़ते हैं फिर उनको पता लगता है नो वी शुड गो फॉर द दिस कोर्स तो देखिए अन अकेडमी में आपको बेस्ट एजुकेटर्स से यू की तैयारी करने को मिलती है और अन अकेडमी को चुनने का सबसे अच्छी बात आपके पास ये है कि आपके पास बहुत ज़्यादा चॉइस है यहाँ पे कि आप किस टीचर से पढ़ना चाहते हैं आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट थिंग जो आपको मार्केट में मिल सकती है एकदम जिस टीचर से आप पढ़ना चाहें जो सब्जेक्ट आप टीचर चेंज कर सकते हैं आप स्पेशल क्लासेस जो फ्री रहती हैं वहाँ से आप टीचर डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन सा टीचर बनना है मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स ने अन अकेडमी को सिर्फ इसलिए चुना कि स्पेशल क्लासेस से डेमो देख के उन्हें देखा कि उनको कौन सा टीचर अच्छा लग रहा है ओके क्योंकि कई बार स्टूडेंट uh, सोचते हैं कि बहुत टीचर हैं हम कंफ्यूज हो जाएंगे किससे पढ़ना है बट उसका हल है कि आप डेमो क्लासेस से एक बार के लिए एक दिन बैठ के हर सब्जेक्ट की वीडियोस देखिए एक एक टीचर डिसाइड कीजिए और आप उनको देखना शुरू कर सकते हैं सो so, इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आपको कहीं पर भी नहीं मिलती कोई भी इंस्टीट्यूट प्रोवाइड नहीं करता है उसके साथ साथ दिस इज़ जस्ट वन थिंग उसके साथ साथ आपको डाउट सेशंस मेंटोरशिप सेशंस प्रिंटेड नोट्स लाइव मेंटोरशिप ये सब आपको इस कोर्स में मिलता है और जल्द ही इसके प्राइजेस भी हाइक होने वाले हैं अगर उससे पहले आप ले लेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा आप मेरा कोड भी यूज़ कर सकते हैं वीरो यू इसको लगाना मत भूलिए सो दैट यू नो आपको यहाँ पर मुझसे और भी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है और डिस्काउंट ऑब्वियसली मिलेगा नोट्स जो हैं यहाँ पे हर टॉपिक के आपको दिए जाएंगे 2.0 इसको भी आप देख सकते हैं इसका लिंक सब आ, नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगा किस बैच में पढ़ना चाहते हैं ये भी आपको बताया जाएगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो बेस्ट बैच सूटेड बैच आपको दिया जाए इस नंबर पे कॉल करके आप डिटेल जानकारी ले सकते हैं ज़ीरो परसेंट ई है सपोज़ आप एक बार पेमेंट नहीं कर सकते आप ई एम ये कोर्स ले सकते हैं दैट इज़ ज़ीरो मिनिमम टाइम में आपका ये लोन जो है वो अप्रूव हो जाएगा अब ऑफलाइन भी कुछ टेस्ट हो रहे हैं जिन लोगों को लगता है कि उनका प्री हो जाएगा ट्वेंटी सेकेंड अगस्त ट्वेंटी ये मॉक टेस्ट हमारे तीन सेंटर्स दिल्ली जयपुर लखनऊ में दे सकते हैं एनरोल कर सकते हैं बिकॉज मॉक टेस्ट से ही आपकी तैयारी आगे अच्छी होगी एन इनकेस आप कभी अटैम्प्ट देते हैं आपका क्लियर होता है लेकिन आप अपने रिजल्ट से अगर सैटिस्फाइड नहीं हैं तो नेक्स्ट अटैम्प्ट आपका एनअकेडमी रहेगा फ्री वन ईयर एक्सटेंशन आपको दी जाएगी अगर आप दो साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं दो साल से ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हैं आप सेटिसफाइड नहीं हैं तो आपका नेक्स्ट ईयर का एक्सटेंशन आपको हमारी तरफ से दिया जाएगा इस पर सब्सक्रिप्शन के लिए आप ये कोड जो है वीरो यूपीएससी यूज़ कर सकते हैं ऑप्शनल भी आप यहाँ पे ले सकते हैं कॉम्बोज अवेलेबल हैं जो आप कॉल करके सारे डिटेल्स कोर्सेज के ले सकते हैं सो लेट्स क्रैक इट टुगेदर एंड मेक अ ह्यूज डिफरेंस बाकी वीरो यूपीएससी इज़ द कोड फॉर यू कि टेन परसेंट डिस्काउंट आपको जो भी मैक्सिमम इस पर है वो आपको मिलेगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब बात फाइंडर थैंक यू सो मच